So English is just a perfect language. Hindi is just perfect language, yet any other language. The only issue that we feel sometimes is that अंग्रेजी को हम थोड़ा सा ऊंचा मान लेते हैं. Sometimes we feel कि अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा है और जो हिंदी बोल रहा है वो कम पढ़ा लिखा है और वाइस वर्सा कैसे भी हो सकता है. तो प्रॉब्लम अंग्रेजी में नहीं है, प्रॉब्लम अंग्रेजियत में है. दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक अंग्रेजी है और एक अंग्रेजियत है. समटाइम्स वी एसोसिएट दैट एनीबडी हु स्पीक्स इंग्लिश इज मस्ट बी लर्नेड एंड वॉट एवर. एंड सो इसके ऊपर काफी लोगों ने सोचा है और विचारा है एंड अपनी अपनी बातें रखी हैं. कभी आपको समय मिले तो सोचेगा. समटाइम्स थिंक अबाउट व्हाट रियली हैपेंड इफ यू थिंक अबाउट यू नो द कंट्रीज हु वर कॉलोनाइज्ड, राइट. द होल ऑफ अफ्रीका वॉज कॉलोनाइज्ड, द होल ऑफ लेट्स से नॉर्थ अमेरिका was colonized, South America was colonized, Asia, large parts of Asia was colonized. All of the people who were colonized by people who were white. So kabhi main to pehle sochta tha ki bhai aisa kya hai white people mein that they were pretty much able to conquer the whole world, and sometimes it leaves us with a feeling that we are somehow less. Ki hum log ka rang thoda sa bhura hai aur hum log hindi bolte hain to hum kam hai, to isliye hamara, you know, whatever it is. So there is a very interesting book. Maybe I want to share with you. This book is called Guns, Germs and Steel. Steel, it talks about how, what were the really factors, what were the real factors which led to people being colonized and how they were colonized by pretty much Europeans, right? So what were the factors? Is it that they are genetically superior in some sense? Science has completely proved that all Homo sapiens are genetically identical, whether the person is from Africa or whatever. It doesn't mean that their intellectual capacity is more or less, even though some people actually really believe that. We sometimes actually also end up believing it, that somehow we are superior or less superior and so on and so forth. But science has clearly proved that, you know, all human beings in terms of their intellectual capacity, they are saying yes, because of circumstances in which they live and prosper, you know, it leads to different understanding. Samaj sabke alag alag hain, parivesh sabka alag alag hai, usliye samajh mein bhi थोड़ा सा सबका अलग अलग चलता है. बट उससे ये नहीं कह सकते कि किसी की समझ ज्यादा है, समझ पाने की शक्ति ज्यादा है. एंड सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू रियली यू नो रियली अंडरस्टैंड इज दैट द बिगेस्ट थिंग दैट एल्स अस इन इंडिया एज अ सोसाइटी इज दिस फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस. हम अपने आप को कम समझते हैं, हमने अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा कम आंक लेते हैं और हम इसीलिए सबकी कॉपी करने लग जाते हैं. उधर यू नो मतलब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ और सोच के नहीं करते, दिमाग नहीं लगाते हैं. भारत में यू नो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री वेयर द टेम्परेचर्स गो फॉर 45-46, यू नो मोस्ट ऑफ आंध्रा विल बी 46-48, दिल्ली यूपी आई डोंट नो मे बी बिहार ऑल्सो गुजरात 46 टेम्परेचर है अभी बाहर 46 डिग्री टेम्परेचर होगा. ऐसे ऐसे टेम्परेचर में इंसान के शरीर के लिए क्या कपड़ा उचित है बताइए, क्या लगता है आपको? व्हाट इज द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट वन शुड वियर इन सच क्लाइमेट्स? एंड वी विल फाइंड, एंड आई वाज शॉक्ड वन डे आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड इन दिल्ली, आई फाउंड इन द मेट्रो एवरी सिंगल पर्सन वाज वियरिंग बिग थिक पैंट ऑफ जीन्स. नाउ जीन्स क्लॉथ वाज इन्वेंटेड इन अर्ली 1900s फॉर पीपल इन द यूएस, इन अमेरिका वेयर इट्स वेरी कोल्ड एंड पीपल आर वर्किंग इन माइंस एंड सो ऑन सो फोर्थ. इट्स अ वेरी रगेड क्लॉथ, राइट, वेरी हार्ड. हवा अंदर बाहर नहीं जाएगी, शरीर को बचाने के लिए है क्योंकि बाहर अगर पत्थर है मट्टी है. वो कपड़ा पहनकर भारत में 46 डिग्री में आप रहेंगे तो आपके शरीर गड़बड़ हो जाएगा. बट वी हैव समहाउ एसोसिएटेड जीन्स पैंट और जीन्स क्लोथ विद समथिंग दैट इज यू नो गुड फॉर अस इन सम सेंस बिकॉज द यू नो पीपल इन द वेस्ट और यूरोप और व्हाटएवर वियर इट एंड सो वी एंड अप जस्ट कॉपिंग इट विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज रियली पर्पस ऑफ द क्लॉथ एंड व्हाट शुड बी द क्लॉथ दैट इज you know what is the science behind the cloth and what kind of cloth should be good for our body. So iske taraf hamara dhyan nahi hai and somehow we sort of just try to ape.